हमारा थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है तेरी दिल इश्क़, और इस ग्रुप को आप फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से, मेरा नाम है शीमा किरमानी, मेरे नाम से देख सकते हैं। और ये जो नाटक आज हम पेश करने आए हैं इसका खास ताल्लुक है सैलाब से, औरतों से, औरतों के खिलाफ जो इस्तेसाल होता है उससे। सैलाब की नहीं, मगर सिर्फ एक सैलाब की नहीं है,
औरत 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 जिसे कभी माँ कहा जाता है, कभी बहन, कभी बीवी और कभी बेटी। जी हाँ, मगर हम औरतों को कभी इंसान नहीं माना जा। बिल्कुल, ये है इम्तियाजी सुलूक। इसे हम कहते हैं इम्तियाजी सुलूक। और ये इम्तियाजी सुलूक हमारे साथ हमारी पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। कैसे कैसे, आइए देखते हैं कैसे। अरे हाँ, मुझे याद आया। हाँ बोलो। हमारे पड़ोस में बच्चे की विलादत हुई है। अच्छा, देखे। हाँ, चलो चलो चलते देखते हैं। इनके चेहरों की खुशी से लगता है कि घर में बेटा पैदा हुआ है ना? आपका क्या ख्याल है? सब कुछ अच्छा। मगर जब मैं पैदा हुई थी, जब तो ऐसा मंजर नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसा मंजर था? आइए वो भी देख लेते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि ऐसा ना हो, तो फिर ऐसा हो।
तेरा यूनिफॉर्म मैं दे दूंगा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरे इम्तिहान सर पर है। अरे ये बातें सोचना तेरा काम नहीं है, तुम दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, हम पूरी करेंगे। कह रहे ये कि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, इस साल इम्तिहान नहीं देगी, खाली भाई को इम्तिहान दिला दो। और लड़कियों को उनके पढ़ाई के हक से रोका ना जाए। अब आगे बढ़ते हैं, गो के वक्त होता है बचपने का, गुड़ियों से खेलने का, खेल कूद करने का, पता हमारी लड़कियों एक और सैलाब का सामना करती है, वो क्या सैलाब है? वो है कम उम्री की शादी। आइए देखते हैं कि ये सैलाब क्या है। Let's go.
ये सिंह मेरा सिंह है, ये सिंह
आंखें सवाल कर रही है, माएं उनको मरता देख रही है, माएं अपनी छातियों में अपने बच्चों के लिए दूध तलाश कर रही है, लेकिन उनकी छातियां तो सहरा की तरह खुश है। भूखे प्यासे बच्चे एरिया रगड़ते हुए मर रहे हैं। माएं सिंध की औरतें अपने बच्चों को भूख से मरता देख रही है, हम सिंध की औरतें अपने बच्चों को मरता देख रही है। ये रोज हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, ये मुसलसल हो रहा है, ये हर साल हो रहा है। जी ये लगातार हो रहा है, मगर ये क्यों हो रहा है? आप में से कभी किसी ने सोचा? ये इसलिए हो रहा है, बिल्कुल इसीलिए कि लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, कोई इन बातों को उभारता नहीं है। ये तो हम बन जा रहे हैं जो आपके पास आए हैं ये सारे सवाल लेकर। हम बन जा रहे हालत
और आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। दाई के मुकाबले में दाई को बहुत
ही जाती है बिल्कुल। और जो बेटा छोटी है वो मेहनत करके पढ़ के सीख कर अस्पतालों में काम कर कर इस काम की सनद हासिल करके आती है। जी हाँ, अगर हर बच्चे मर गए, कितनी औरतें अपनी जानों से हाथ धो गए, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं। कभी आप सोचते हैं इसके बारे में? क्यों नहीं, आप इनकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। सोचने पर मजबूर करें अपने दिमाग को। इकवाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट, जो कि पॉपुलेशन फंड भी है, इसके मुताबिक आधार और शुमार ये बताते हैं कि हमला के दौरान जो पेचीदगियां होती है उसकी मुसीबतों की वजह से हर दो मिनट पर, सुन रहे हैं आप लोग, हर दो मिनट पर एक औरत की मौत होती है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है समाज में। और ये मौतें आपों की माओ की भी हो सकती है, ये आप लोगों की बहनों की होती है, ये आप लोगों की बेटियों की होती है। तो जरा और से सुनिए और सोचिए कि ये क्यों होता है, इसको रोका जा सकता है, ये जाने बचाई जा सकती है। अब हम आपके सामने एक और किस्सा दिखाना चाहते हैं, एक और कहानी सुनाना चाहते हैं। खास तौर से सैलाब के दौरान हम औरतों ने क्या क्या देखा, कैसे कैसे सैलाब का सामना किया। जब लोग आते हैं मदद देने के, राशन बांटने, रिलीफ देने के, तब हम औरतों का किस चीज का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं।
इतनी सारी दुश्वारियों के बावजूद हम औरतें तमाम सैलाबों का डट के मुकाबला करती रहती है, चाहे वो कमरे की शादी का सैलाब हो, बिल्कुल, चाहे वो तालीम हासिल ना करने का सैलाब हो, बिल्कुल, चाहे वो जिनसी हरासानी के सामना करने की सैलाब हो, क्योंकि हम इन सैलाबों में क्या।